हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आज मैंने व्रत रखा है, मैंने आज जीवरत माँ का व्रत रखा है। हर माँ अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती है, तो आज मैं पूरा दिन फास्ट करूँगी, यानी कि मैं आज पूरा दिन उपवास करूँगी। शाम को एक टाइम ही मैं खाना खाऊँगी। इस व्रत में रात के 12 बजे तक का जागरण भी होता है, तो वो भी मैं करूँगी। और आज अभी तो 10 ही बजे है और मैं सब काम निपटा के रेडी हो गई हूँ। मुझे तो अभी 12 बजे स्कूल जाना है। आज मैंने एक सुविचार पढ़ा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। इस सुविचार से हमें ये सीख मिलती है कि हमें इतिहास बनाना है तो हमारे हौसले हैं वो बुलंद होने चाहिए। अभी तो मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ और मयन के दूध में थोड़ी सी चाय मिला के उसको पिलाती हूँ। ये मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन रहता है। सब बर्तन उनकी जगह पे ठीक से रखना, ये सब काम डेली रहता है। अब देखो चाय बन गई है, तो मैं चाय पीने के बाद ही घर का काम स्टार्ट करूंगी। मॉर्निंग में तो ये सब काम सभी के घरों में होता है कि सब चादरें उनकी जगह पे रखना, बेडशीट वगैरह ठीक करना, ये सब काम डेली सभी का होता है। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ तो अभी मेरे पास वक्त है, तो मैं ये सब रूम के पंखे साफ कर रही हूँ। हम सभी को अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि साफ रखने से घर में पॉजिटिविटी रहती है। अब मयन उठ गया है तो उसको दूध पिला रही हूँ। उसके दूध में मैंने थोड़ी सी चाय मिला दी है। मयन सुबह उठने के बाद नाश्ता नहीं करता, सिर्फ दूध पीता है। दूसरे रूम के पंखे साफ करने बाकी थे, तो मैं मयन को दूध पिलाने के बाद फिर से मेरा काम करने लगी। सब रूम के पंखे मैंने साफ कर दिए। टाटा मयन, टाटा करो। मयन तो स्कूल चला गया। अब मैं जो डेली काम करती हूँ वो करने लगी। सब चीजों की डस्ट निकालने के बाद ही मैं सब रूम में झाड़ू लगाती हूँ। ये मैं सब डेली करती हूँ। मैंने आज सभी के लिए खाने में काबुली चने की सब्जी और रोटी बनाई है। मेरा तो आज फास्ट है, तो मैं तो फराड़ी करूंगी। आज मैंने अपनी स्कूल में साइंस की एक्टिविटी करवाई है, वो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी। मैंने सभी स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दिया था, उसी के हिसाब से वो सभी स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स बना के लाए हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं वो मेरे सभी स्टूडेंट्स को पता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी पोषक तत्वों के स्रोत के प्रोजेक्ट्स बना के लाए हैं। सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव है।
मैंने आज जीवरत माँ का व्रत रखा है तो उसकी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैं जो बना रही हूँ उसको हमारे गुजरात में नागला कहते हैं, वो माता जी को चढ़ाया जाता है। जहाँ पानी का मटका रखा हो उसके पास भी सब महिला हमारे गुजरात में इस तरह पूजा करती है। मैं कुमकुम से पालना बना रही हूँ और दिया जला के प्रार्थना करती है। हर महिला प्रार्थना करती है कि हे माँ, पूरी लाइफ मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती है और ये व्रत रखती है। मैंने भी ये व्रत इसलिए रखा है। ये व्रत कथा की बुक है, उसमें एवरेज जीवरत की कथा मैं पढ़ूंगी। हमारे गुजरात में सब महिला ये व्रत रखती है और ये कथा भी पढ़ती है। इस कथा में भी लिखा होता है कि ये कथा पढ़ने वाले, व्रत रखने वाले और सुनने वाले सबको ये व्रत की फल प्राप्ति हो। आप सभी ये एवरेज जीवरत माँ के व्रत की कथा यूट्यूब में सर्च करके सुन सकते हो। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही है। आप सभी को मेरा व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय। जय श्री कृष्णा।